राजस में कभी यहाँ थे और कभी यहाँ थे तो इंटर बैठक राष्ट्र और युद्धिष्ठर कभी यहाँ थे तो इंटर बैठक राष्ट्र और युद्धिष्ठर आज मास्टर कहीं डॉक्टर कहीं इंस्पेक्टर कंडक्टर आज मास्टर कहीं डॉक्टर कहीं इंस्पेक्टर कहीं कलेक्टर कहीं वरिष्ठ कहीं ऑडिटर डायरेक्टर कहीं कलेक्टर कहीं वरिष्ठ कहीं ऑडिटर डायरेक्टर और कहीं मिनिस्टर स्त्री सिटर यूज कलेक्टर डिपार्टर कहीं मिनिस्टर स्त्री सिटर और कहीं सिटर तो ये कहीं भी सिटर टेरिटरी ने खा लिए कभी यहाँ थे दो इटर मास्टर जी बता ले लिखो प्रिंट काटो ना मैं ध्यान सुन को डाटिए जी बर आप चैनल जाओ मास्टर स्टेशन बता दी मास्टर कहीं डॉक्टर कहीं इंस्पेक्टर कंडक्टर कहीं कलेक्टर कहीं परिस्टर कहीं ऑडिटर डायरेक्टर और कहीं मिनिस्टर स्त्री सिटर यूज कलेक्टर डिफॉल्टर कहीं सिस्टर तो कहीं मिस्टर इन टर टर ने खा लिए कान बिगड़ गए ऋषियों की क्षमता पहले अपना भारत देश में भाई जी तो इटर भाई करता कह तो धतराष्ट्र का युद्धिष्ठ ये पड़ जाना मटर टमाटर भी बाद में चले और जो खास करके टर कौन सा रहे हैं आजकल कौन सा रहे हैं गुरु जी मास्टर गलना कबार में पड़ी कोई मास्टर निकाल दिए क्यों घूस दे देगी लाख के नकली सर्टिफिकेट गुरु जी तसली ही सी बात करें नकली सर्टिफिकेट दे के मास्टर लग गया एक ही चौथी क्लास का छोरा गुरु जी ने बोला गुरु जी बीमारी बोले छोटी भी आओगी बड्डी मास्टर भी घूस दे के लग गया बोले बेटा छोटी बीमारी है जना छोटी भी और बड्डी बीमारी है जना बड्डी भी ये पढ़ाई लिखाई चाली सजनवाल के करा मास्टर भी बाबा क्योंकि आजकल के संस्कार हैं लेकिन क्या तीन नंबर की बात बताया कि कैसी संतान होनी चाहिए जिनकी कुक से मिले दयानंद गांधी सुभाष चंद्र बोस जिनकी कुक से मिले दयानंद गांधी सुभाष चंद्र बोस भ्रूण हत्या हो रही गर्भ में मारी जा कन्या निर्दोष भ्रूण हत्या हो रही गर्भ में मारी जा कन्या निर्दोष समाज को खा रही बुराई पंचायती बैठे खामोश समाज को खा रही बुराई पंचायती का और बोरी बांध के चक्कर काटे मिले ना सो सो रहे मर्द शेष रणवों का देश बन जाएगा हिंदुस्तान रणवों को देश क्यों बन जाएगा जी आज जनसंख्या देख लो माता भाड़ा नजर पसार देख लो आदमी ज्यादा बैठे बीरबानी कंपाउंड बीरबानी तो पांच भी दौत होगी पांच लेकिन खास करके रणवा ज्यादा पाऊंगा
ये रंडवा क्यों जाता पाई जाए अपने भारत देश में छोरी जाम के राज्य को ने आजकल छोरी कम हो गया अपने खास करके झुनू जिले में गैल ने सर्वे करवाए गए जना 1000 छोरा के गैल 800 छोरी पाई गई घड़ी घड़ी तो के बताऊं किनू अंदाज लगा दो 200 छोरा तो गोरखनाथ जी का चेला बनना पड़ेगा कहीं तो बरात लेके जा छोरी यार घर में जब छोरी नाम जाने जो अड़ोसों ने पड़ोसों ने जिक्रो बहुत करें तब ठीक रहा बाबू ने ठीक आगे जिक्रो करेंगे हाय दा बलीब के ताली बोली का कि मैं टापर ठीक रहो है तो यार जब छोरी नाम जाना बाबू ने ठीक माथा मार तुम्हारे के भुगाने की मार मार तो बैठो या फिर बताओ छोरी नाम जाना बैठो आप आठ नौ कुंदर तू जाम जिनके सुनो वर्ष और जैसा हम क्या छोरो रात का 12 बजे भी काशियालों को छोड़ दे के बट्टिया ही बट काम न जगा दे और जिक्रो करती है तक ले भी भूल ले कि मामा तो राम कुमारी के छह छोरियां पर सिर ढकोने एक तू तुड़ो दिए और मैं तू तुड़ो बोल रही और मैं तुझे कुमार कर पताड़ी की भी कीमत है तू तुड़ा की कोई कीमत को झटने का ट्रेंड कर जगा जगा रुका घरे है तू और खास करके अपना चौधरिया का घड़ी आठ लाग दी जब छोरों पढ़ लिख के फौज पुलिस में लाग जाए जना तो चौधरी का लड़का को ब्याह मंडे जाए नहीं तो कोने मंडे चाहे पार्टी देखो कई साल मालक राम में 48 साल को हरे को सुभाष नाम कुआर घर काका के कह को ब्याह मंडे जना पुनोरी लिखड़े बैंड बाजता सा ब बैंड बाजा जना वाला बाप बोला भीतर सारा बोला सुभाष या ये बैंड कह का बाजा है बोला काका भला मां बाप यूं का बाजा है बोला कहीं हां बोलो फलाना के छोरा को ब्याह जना हूं कि पुनोरी लिखड़े है उनका बैंड बाजे बोला अपना आ रे बोला अपना तो संखी बाजी में लास्ट तो सजनों सीधी साधी बात है ये तो 200 छोरा अंड है ना तो अंड का लास्ट में शंख बाज में मैं बताऊं बाकी कोई गल्लो को ना ये जो बंक लूटता फिरे हैं चोरी टकेती करता फिरे हैं ना तो कोई धड़ी को ना ताना बता दी छोरा पढ़ लिख जा छोरे की छठी करें पाछे 6-12 मना को जरा बुढ़ती चर्चा करती है ले भी झुंडी एक माम हालो तो एक छोरो को ढाईया चार के सुलियो मुबारक माने डरचे तालो ठेके कानी भी सिरवाना ताले चाले को मतलब और पाछे छोरो ने पटावे जी खाऊं सबसे बड़ी बात सजनो देखो खर्चो लगाओ अब मैं बीए पास कराओ को इंजीनियरिंग करो मा लास्ट में बूटा बैठ के नहा रहे माला ने जेब रे कथन के कथे जान के ताला ने 11 जरीला इनके जेब दोर क्या करम तो छोरे कहिए का तो खड़े मतलब सजनों की सबसे बड़ी भक्ति और शक्ति आत्मविश्वास की अपने माँ बाप के बड़े बुजुर्गों की गले चाहिए सबसे बड़ी बात यही है नंबर आखिरी उस कवि ने बताया कैसे 1 2 3 4 मेला भजन समझ में नहीं आओ तो कोई बड़ी बात को ना मन मेरो पेन को अच्छा लागे को भी लागे को बड़ी बात है और मजो काका का गुलाम तो हो गया आओ तो आओ नहीं कोई भी आओ आओ तो रिजाई मां जी ने क्या मैं तो यहां आराम से सोते और गरम होया पता नहीं कौन सा टाइम मेरा बजा गया और सतम श्रोतागण कई प्रकार के होते हैं आज काफी दो दिन भगत घर पे थे हूं भाई साहब आज जाकर मैं चला मैं भाई जाकर हम के करा गुदरिया बड़े बड़े सुनिया ने कई प्रकार का श्रोतागण आपको तो जो का बाबा उमत सिंह महाराज का जाकर है वहां पे चले नहीं बड़े बड़े भजन सुनेंगे कोई श्रोतागण आया को है घर खाट के तोड़ा को आज चोखा भजन देखा ना जो की भिड़ती भी मांग 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 के माता भाणन तो यही कि ने देखा रेड लाइट चली जाए तो कहीं चप्पल पुराने जी से कर गया मैंने गुरु सब एक साथ बैठे अलग अलग दिमाग के अलग अलग सजनों सीधी साधी बात तो यार देखो कि आजकल ने नकली चीज चाल की भारत देश में असली चीज क्यों को नहीं दी चाहे वो खाना पीना हो चाहे वो गाना बजाना हो हमारे हरियाणा राजस्थान के अंदर दादा लक्ष्मीचंद हुए जो कि सूर्यवंशी कवि हुए सजनों लेकिन आज उनकी कविताएं को कोई भी नहीं सुनता क्योंकि आजकल गाने बजाने ऐसे हो गए हर चीज में मिलावट पैदा होगी डुप्लीकेट चाल की हर चीज सजनों स्कूल का माइंड इंस्पेक्टर साहब चला गया कि 5वीं क्लास का छोरा खड़ा कर दिया छोरा खड़े हो जा और 5 का ही पारा सुना दे छोरा की पिंडी तो जला गया आंखें मासू आ गया दुझण लग गया आज उठ के बोले तू जी मन तो करे आवे 5 का पारा राम खोर तू 5वीं क्लास कोई स्टूडेंट तेरे 5 को पारा को नहीं आवे
बोले गुरुजी मत स्कूल कोई को नहीं बोलो तू कौन सी स्कूल का से बोले जी गुरुजी मत स्कूल के गए ने बड़ भैंस चराए को मास्टर 5 रुपए दे के बैठा दियो मत 5 रुपया का लालच मांग के बैठ गया इंस्पेक्टर साहब गुस्सा में भर गया मास्टर जी घर पहुंच गया सोमवीर जी प्रकार ने बोला मास्टर जी ये बच्चे डुप्लीकेट क्यों बैठा रखे हैं उधर मास्टर भी नकली आड़ो बोल जी मन तो आप अंदर मत आमेल भाई की जगह है बोलो आज बोला क्यों बोलो जी मेरा भाई डो मास्टर वो मंडी में सूरजगढ़ संभाल लिया मत लेको आज आज मारे किराना स्टोर की दुकान है राजा से मना अड़े भेज दिए गलती से इंस्पेक्टर साहब और गर्म हो गया हेडमास्टर जी को पूछ गया दो चार एक डांट मारी हेडमास्टर जी ये बच्चे डुप्लीकेट है ये टीचर नकली है क्या बात है डांट मारी ना हेडमास्टर का भी छक्का छोड़कर हाथ जोड़ के खड़े हो गए शेड़ मारी खोली 10,000 रुपया की गड्डी बिना घिने काट के लिया हाथ में पकड़ा दी बोलो जी आज आज मरना भी माफ करो मत हमने बाप की जगह रहे बोलो बोले क्यों बोले क्यों के जी मारा पिताजी को साक्षरता बयान को मुकदमा ला और वो कोर्ट में चले गए जुनू आज उनकी पेशी थी मन उरे भेज दियो और एक बात और कही बोले बेटा लो तो चेक करने को कोई आवे को ना रजा खुदा कोई आप भी जा 10,000 रुपया पकड़ा दिए कोई कोई बोले इंस्पेक्टर साहब 10,000 रुपया कोच में गाल के बोले फिर बात सुन ले यो तो शुक्र मान करो 10,000 रुपया में काम निकाल दियो मेरी जगह को असली इंस्पेक्टर हूं उधर ला 3 रुपया के फंडो को नकली बहुत सजी आज का हर चीज नकली चाल की असली चीजें का जमाना रह नहीं अंतिम लाइन बताया कैसे अंधविश्वास के चक्कर में भाई हर व्यक्ति हो रहा परेशान अंधविश्वास के चक्कर में हर व्यक्ति हो रहा परेशान और छा छेवड़ा फिरे डॉक्टर अंधी दुनिया को तू ज्ञान छा छेवड़ा फिरे डॉक्टर अंधी दुनिया को तू ज्ञान